सत श्री अकाल, मैं हाँ नेहा शर्मा ते तुसी वेख रहे हो प्रवासी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अज दी मुख खबरां दे नाल। सिद्धू मूसेवाला दी अस्थियां श्री कीरतपुर साहिब विखे कीतियां गईयां जल प्रवाह। 8 जून नूं होवेगी सिद्धू मूसेवाला नमित अंतिम अरदास। पंजाब कांग्रेस का वफद राजपाल नूं मिलिया। केजरीवाल और राघव चड्ढा नूं मिली सिक्योरिटी की मंगी जांच। बिक्रम सिंह मजीठिया नूं हाई कोर्ट तो नहीं मिली जमानत। ड्रग मामले च पटियाला दी जेल च बंद है बिक्रम मजीठिया। बॉलीवुड सिंगर केके दा होया देहांत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अते राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वल्लों दुख दा प्रगटावा। हुण खबरां विस्थार दे नाल। मरहूम नौजवान पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला दे परिवार वालों उन्हां दीआं अस्थियां श्री कीरतपुर साहिब स्थित गुरद्वारा पतालपुरी विखे जल प्रवाह कीतियां गईयां। इस मौके सिद्धू मूसेवाला दे पिता बलकौर सिंह, उन्हां दे माता चरण कौर अते कुछ परिवारक मैंबरां दे नाल नाल अकाली आगू दलजीत सिंह चीमा अते वड्डी गिणती विच सिद्धू मूसेवाला दे प्रशंसक मौजूद सन। इस तों पहलां फुल चुगण वेले सिद्धू मूसेवाला दी माता चरण कौर, जो पिंड मूसा दे सरपंच वी हन, ने भावुक हो के उच्ची उच्ची ताहां मारदे होए कहा कि मेरे 6 फुट के गभरू पुत नूं राख बना के रख दिता, तुसीं भी जहानों पुट्टे जाओ। उन्हां ए वी कहा कि हुण दुश्मनां नूं वधिया नींद आवेगी। इस मौके पिता बलकौर सिंह ने कहा कि पंजाब विच कोई भी अपने पुत्तां नूं मशहूर ना बनायो, साडे पुत नूं मशहूरी ने ही खा लिया। फुल चुगण की रस्म तो बाद पिंड के सबका सरपंच बलविंदर सिंह सिद्धू ने दसिया कि परिवार वालों 8 जून नूं शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाला की अंतिम अरदास अते भोग पाउण दा फैसला किया गया। मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या तो बाद दिल्ली के नीरज बवाना गैंग ने एक धमकी दिती है। बवाना गैंग ने कहा कि वह आउंदे 2 दिनों के अंदर अंदर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लेंगे। इस संबंध में उन्होंने सोशल मीडिया उत्ते एक पोस्ट भी शेयर की है। सिद्धू मूसेवाला की मौत का बदला लेने लई बवाना गैंग के नाल तिल्लू तेजपुरिया, कौशल गुड़गांव अते दविंदर बंबीहा गैंग भी जुड़िया होया है। अजिहे विच आउण वाले दिनां अंदर पंजाब च गैंगवार होण दा डर पैदा हो गया। नीरज बवाना दिल्ली दा रहण वाला है। उस उत्ते हत्या, डकैती, लुटखो अते फरौती समेत कई अपराधिक मामले दर्ज ने। इस समय उह दिल्ली दी तिहाड़ जेल विच बंद है अते उत्थों ही गैंग नूं ऑपरेट कर रहा है। दविंदर बंबीहा ग्रुप दे नां उत्ते सोशल मीडिया उत्ते शेयर कीती गई पोस्ट विच सिद्धू मूसेवाला दी मौत पिछे पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख दा हथ भी दसया गया है। जबकि दूजे पासे मनकीरत औलख ने बंबीहा ग्रुप वालों लगाए गए आरोपों का खंडन करदिया कहा कि उन्हां दा सिद्धू मूसेवाला दी मौत पिछे कोई हथ नहीं। उन्हां लोगों नूं अपील की कि अजिहियां पोस्टां सांझियां करन तों पहलां इन्हां पोस्टां नूं वेरीफाई किया जाए। पंजाब कांग्रेस के प्रधान राजा वड़िंग अते प्रताप सिंह बाजवा की अगवाई हेठ कांग्रेसी आगुआ दे वफद ने चंडीगढ़ विच राजपाल नाल मुलाकात की। इस तो बाद राजा वड़िंग ने मीडिया नाल गलबात करदिया दस्या कि सिद्धू मूसेवाला की हुई हत्या अते पंजाब च लॉ एंड आर्डर की स्थिति तो राजपाल नूं जाणू करवाया गया। राजा वड़िंग ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ते डीजीपी की अणगहली कारण यह हादसा वापरिया। वड़िंग ने कहा कि सुरक्षा च कटौती करनी गुप्त दस्तावेज हुंदा है, पर जानबूझ के इस नूं जनतक कीता गया। यह सिर्फ फोकी ते मुफ्त की शोहरत लैण लई यह लिस्ट जंतर की गई। वड़िंग ने कहा कि इस मामले की उच्च पदरी जांच होनी चाहिए है। जिहड़े अफसरां ने बिना जांच किए सुरक्षा च कटौती की है उन्हां अफसरां खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। कांग्रेस के वफद ने राजपाल कोलों मांग की कि अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा नूं दित्ती गई सुरक्षा की जांच की जानी चाहिए है। ड्रग मामले विच पटियाला जेल विच बंद श्रोमणी अकाली दल दे सीनियर आगू अते साबका कैबिनेट मंत्री नूं अज पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट ने जमानत नहीं दिती। इस मामले नूं लै के लंघे दिनी हाई कोर्ट विच बहस पूरी होण तों बाद हाई कोर्ट ने फैसला राखवां रख लिया सी।
जिस उत्ते बुधवार को फिर सुनवाई हुई और हाई कोर्ट ने अकाली आगू बिक्रम सिंह मजीठिया जमानत देने तो इनकार कर दिता। ध्यान रहे कि इस तो पहला बिक्रम मजीठिया ने सुप्रीम कोर्ट में पटीशन दायर करके अपने खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने की मांग की सी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस उत्ते सुनवाई करने तो इनकार कर दिता सी। सुप्रीम कोर्ट ने मजीठिया निर्देश दिए सन कि वह अपनी FIR रद्द करवाने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में पटीशन दायर कर हाई कोर्ट की बेंच इस उत्ते अपना फैसला सुना सकती है। जिस तो बाद मजीठिया ने हाई कोर्ट में पटीशन दायर करके इस मामले में जमानत दिए जाने की मांग की सी। ड्रग मामले में घिरे अकाली आगू बिक्रम सिंह मजीठिया पटियाला की सेंट्रल जेल में बंद ने। पंजाब विच अहम शख्सियतों की सुरक्षा घटाने तो बाद आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार सवालों विच घिरी हुई है। इस संबंधी हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को जवाब भी मंगया होया है। इस दौरान सरकार ने हुण VIP सुरक्षा की मुड़ समीक्षा शुरू कर दी है और कई अहम व्यक्तियों की सुरक्षा बहाल करनी शुरू भी कर दी है। सिद्धू मूसेवाला की हुई हत्या तो बाद जिथे कई व्यक्तियों ने सुरक्षा लई हाई कोर्ट तक पहुँच की है उथे ही कुछ व्यक्तियों ने सरकार नू सीधिया अर्जियां भी दित्तियां ने। जानकारी मुताबक इस कड़ी तहत सरकार 27 अहम हस्तियों नू भी सुरक्षा देण दी तैयारी कर रही है। सुरक्षा नू लैके सरकार ने हाई कोर्ट विच जवाब भी दायर करना है अते ए भी दसना बनता है कि VIP सुरक्षा हटाउण दा नोटिफिकेशन जनता नू किवें लीक किया गया। सरकार ने सैलीब्रिटी की सुरक्षा लई पहला ही ब्लू प्रिंट तैयार कर लिया है। इस स्कीम तहत 24 घंटे हर सैलीब्रिटी नू 4 to 6 सुरक्षा कर्मचारी मुहैया करवाए जाएंगे। लुधियाना जलंधर मुख सड़क उत्ते लाडोवाल टोल प्लाजा नेड़े अज सवेरे 8:30 अणपछाते व्यक्ति सरकारी बस PRTC दे कंडक्टर कोलों 20,000 रुपए लुट के फरार हो गए। ये बस लुधियाना तो जलंधर जा रही सी अते जदों ये घटना वापरी उस समय टोल प्लाजा नेड़े कंडक्टर बस विच सवारियां चढ़ा रहा सी। इस दौरान 3 अणपछाते व्यक्ति मोटरसाइकिल उत्ते उत्थे आ गए अते उन्होंने कंडक्टर कोलों नकदी की मांग की। जदों कंडक्टर ने इनकार किया तो यह व्यक्ति कंडक्टर कोलों पैसों वाला बैग खो के फरार हो गए। घटना का पता लगदिया ही पुलिस मौके उत्ते पहुँच गई सी। इस मौके ACP हरीश बहल ने दसिया कि उन्होंने शिकायत दर्ज करके मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। उधर दूजे पासे कांग्रेस के सीनियर आगू प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि पंजाब विच कानून व्यवस्था पूरी तरह डामांडोल हो चुकी है अते अपराधियों नू कानून का कोई डर नहीं रहा। उन्हां आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार उत्ते सवाल भी चुके। ब्यूरो रिपोर्ट। इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कांग्रेस प्रधान सोनिया गांधी अते राहुल गांधी नू समन भेजा है। ईडी ने मनी लांडरिंग दे मामले विच इन्हां दोवां नू 8 जून नू पुछगिछ विच शामिल होण लई कहा। इस मामले विच ईडी ने कांग्रेस पार्टी दे 2 वड्डे आगूआं पवन बांसल अते मलका अर्जुन खड़गे नू भी लंघी 12 अप्रैल नू जांच विच शामिल कीता सी। जिक्रयोग है कि 2014 विच सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया अते राहुल गांधी दे खिलाफ केस दर्ज कराया सी। इस विच सुब्रमण्यम स्वामी ने गांधी परिवार उत्ते 55 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का आरोप लगाया सी। उधर दूजे पासे कांग्रेस पार्टी के आगुआ ने ईडी का नोटिस जारी होने तो बाद केंद्र सरकार उत्ते सियासी हमला बोलिया है। पार्टी के बुलारे रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि भारत की तानाशाह सरकार डर गई है अते इसलिए ये बदले की कार्रवाई कर रही है।
बॉलीवुड सिंगर कृष्ण कुमार कुंथन उर्फ केके दा कोलकाता च लाइव शो तो बाद देहांत हो गया। ओह 53 वरिया दे सन। लाइव शो तो बाद ओह होटल पहुंचे जिथे उन्हां दी तबीयत खराब हो गई, जिस तो बाद उन्हां कोलकाता दे मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट अते हस्पताल विखे ले जाया गया, जबकि उन्हां दी हस्पताल पहुंचण तो पहला ही रस्ते विच मौत हो गई। लाइव शो दौरान गायक केके ने अपने कई मशहूर गीत गाए, परंतु हम रहे या ना रहे कल, कल याद आएंगे ये पल उन्हां दी आखिरी परफॉर्मेंस साबित हुई। केके दी इस परफॉर्मेंस दा वीडियो सोशल मीडिया से बहुत वायरल हो रहा है, जिसनों देख के उन्होंने चोन वाले भावुक हो रहे हैं। केके की मौत से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख प्रकट किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केके के देहांत तो बाद मैं बहुत दुखी हाँ, उन्होंने गीतों हर उम्र के लोग जुड़े हुए हैं, वह अपने गीतों राही साडे दिलों च हमेशा जिंदा रहेंगे। परमात्मा उन्होंने परिवार को भाणा मनने की शक्ति दे। फिलहाल अज दे बुलेटिन दे विच इन्ना ही। होर खबरां लई वेखदे रहो प्रवासी टीवी। मैं दे इजाजत, धन्नवाद।